सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। C110 न्यूज पर नशर होने वाली खबर ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावर को नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया। एडीजी आशकार दावर ने नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकतबाद टाउन के डायरेक्टर्स के हमरा इलाकों का दौरा भी किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी और खिलाफ जाब्ता तामीरात पर कार्रवाई की। C110 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावर का कहना था कि अफसर की रजामंदी के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन ही नहीं। वजह यह कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी तौर पर रुक नहीं पा रही है और लॉकडाउन होने के बावजूद ये नहीं रुक पा रही, इसका फायदा हासिल कर रहे हैं ये लोग। और मैं कहता हूँ कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दे आर क्रिमिनल्स एंड दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। इस हवाले से हमारी हाई अप से बात भी हो रही है और उसी सिलसिले की कड़ी है कि मैं आज विजिट कर रहा हूँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डर्स को मौके पर हिरासत में भी लिया। डायरेक्टर डेमोलिशन अली मेदी का C110 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। देखें, ये मुख्तलिफ टाउन्स की कंप्लेंटें आ रही थी जहां फ्लोर और ये सब पड़े हैं लॉकडाउन में और उसके बाद ही पड़ रहा है, इसके डिमोलिशन हम करवा रहे हैं। समझें, जो जो जहाँ जहाँ निकलती जा रही है उसको डिमोलिश कर रहे हैं और वहाँ से बंदे अरेस्ट करना शुरू करेंगे कि किसी तरह कराची में जो है डिमोलिशन ये अपना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रुके। एडीजी आशकार दावर और मौके पर डेमोलिशन स्क्वाड को कार्रवाई की हिदायत भी करते रहे। कैमरामैन साकिब अली के हमरा फैसल तरीन, C110 न्यूज कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।